नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ मुरादाबाद में 20 दिसंबर को जुमे के दिन बादे नमाज जुमा जबरदस्त लेकिन पूरी तरह पुरअमन एहतजाज किया गया। लाखों लोगों ने सड़क पर उतरकर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का विरोध किया लेकिन हर जगह शांति बनी रही। इस मौके पर इमाम शहर हजरत हकीम सैयद मासूम अली आजाद की क्यादत में जिला प्रशासन के माध्यम से भारत के मुख्य न्यायाधीश को 5 सूत्रीय ज्ञापन प्रेषित करके CAA को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग की गई। 20 दिसंबर को बड़ी तादाद में फर्जंदान इस्लाम ने जामा मस्जिद पहुंचकर नमाज जुमा अदा की और उसके बाद नारे लगाकर काले गुब्बारे उड़ाकर प्ले कार्ड हाथों में उठाकर काले झंडे लहराकर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का पुरजोर विरोध किया। साथ ही तिरंगे लहराकर अपना राष्ट्र प्रेम भी प्रदर्शित किया। इस मौके पर इतनी बड़ी तादाद में नमाजी उमड़े कि जामा मस्जिद छोटी पड़ गई और लोगों ने जामा मस्जिद के बाहर पार्क में व सड़कों तक पर नमाज अदा की। जैसे जैसे ये खबर लोगों तक पहुंची कि जामा मस्जिद चौराहे पर हुजूम इकट्ठा है, अवाम का रुख जामा मस्जिद की तरफ होता चला गया। भीड़ का ये आलम था कि जैसे जमीन लोगों को उगल रही हो, जिधर नजर जाती थी सर ही सर नजर आ रहे थे। इस मौके पर प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए थे। जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार सिंह और SSP अमित पाठक बताते खुद पूरे समय थाना मुगलपुरा में मौजूद रहकर हालात पर नजर रखे रहे, जबकि ADM सिटी और SP सिटी लगातार क्षेत्र में भ्रमण करते रहे। इमाम शहर हजरत हकीम सैयद मासूम अली आजाद ने सांसद डॉक्टर ST हसन व दीगर मौजूद शख्सियात के साथ ADM सिटी व SP सिटी को जामा मस्जिद के गेट पर ही ज्ञापन सौंप दिया। अवाम के मुंतशिर हो जाने के बाद सांसद डॉक्टर ST हसन की रहायशगाह पर मौजूद इमाम शहर हजरत हकीम सैयद मासूम अली आजाद ने सिटी चैनल को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया। आप सबको मालूम है जो नागरिकता बिल पास हुआ है पार्लियामेंट में, उसके खिलाफ पूरे मुल्क में हिंदू मुसलमान उसका विरोध कर रहे हैं और वो आइंदा के लिए जो बेचारे गरीब हैं, अनपढ़ हैं, वो लोग अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे। इस वजह से पूरे मुल्क के अंदर हिंदू मुसलमान सब मिलकर हल्ला कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, ताकि वो काला बिल का उन्होंने कहा है कि इसको ख़त्म किया जाए। तो बारह उस सिलसिले में हमारे मुराबाद में मेरा डॉक्टर एसएनएम साहब MP साहब ने अपील की थी काली पट्टी बांधकर और जुमे की नमाज में यहाँ पढ़ें और जामा मस्जिद में और भावों में अंडक दिया जाएगा। उस सिलसिले में आज हम सब मुसलमान पूरे शहर के और तकरीबन आस पास देहातों के भी आए। जुमे की नमाज के बाद हमने ATM सिटी साहब और SP साहब को मंडम दिया है। वो मंडम दिया गया है DM साहब के मार्ग पर चीफ जस्टिस साहब को, ताकि हमारी भावनाएं, हमारे ख्याल, हमारी परेशानियां उनको सामने आ जाएं और बिल के को ख़त्म करने के लिए उनसे मांग की गई है। मुरादाबाद के सांसद और खुद्दामे गुलामाने ताजदार मदीना कमेटी के सदर डॉक्टर ST हसन ने इस मौके पर अवाम से ये अपील भी की कि वो पुरअमन रहें, कानून हाथ में ना लें और हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर रहें। डॉक्टर ST हसन ने ये भी कहा, देखिए हमारी अपील के ऊपर और हमारे इमाम साहब और तमाम ही उलमाओं की अपील के ऊपर सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, एक ऐसा कानून बनाए जिससे हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी को परेशानी है, टेंशन में है और उनको अपने मुस्तकबिल में बहुत दुश्वारी आने का अंदेशा है। वो कानून जो हिंदुस्तान की तारीख में 70 साल के अंदर कानून के मंदिर से, पार्लियामेंट से एक ऐसा कानून बना जो कानून की रूह के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, सांप्रदायिक बेसिस के ऊपर एक कानून बनाया गया, हिंदू मुसलमान को अलग करने की साजिश की जा रही है। हम तमाम ही हिंदू मुसलमानों ने इसका पुरजोर एहतजाज किया है और सरकार को आगाह किया है कि इस कानून में या तो तरमीम करें या इसे वापस लें और आगे आने वाले NRC को भी हिंदुस्तान में लागू ना करें, क्योंकि ये सिर्फ कम्युनल करके अब ये बात साबित हो गई है कि जब जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से प्रोटेस्ट होते हैं,
जब हिंदुस्तान के मुसलमान के लिए आसाम में तीन लोगों ने हिंदू लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी तो इस देश की ये तहजीब कभी कोई मिटा नहीं सकता, चाहे कितना ही लोग अपनी सियासी रोटियां सेकने की कोशिश करें। इसलिए मेरी सरकार से ये अपील है कि इस कानून को वापस लिए और आगे भी कोई ऐसा कानून ना बनाए जो हमारे समाज को बांटे। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए, लाखों की तादाद में लेकर आए, और उससे ज़्यादा शुक्रगुजार इसलिए हूँ कि सबने पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज किया और मेरे ख्याल से ये हिंदुस्तान में एक मिसाल कायम करी कि लाखों लोगों ने इकट्ठा होकर एक पुरअमन तरीके से एहतजाज किया। मैं इन सभी लोगों को मुबारकबाद भी देता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस बात की अल्लाह पाक उनको जज़ा दे। क्या अपील करना चाहेंगे अवाम से? मेरी अवाम से अपील यही है कि हम आपकी लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हम लोग खड़े रहेंगे, लेकिन मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आपके इस एजिटेशन को, इस एहतजाज को बहुत से लोग नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं, अमन बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। अपने अंदर के छुपे हुए उन दुश्मनों को ज़रूर पहचान लेना जो हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए और मुरादाबाद के लिए मुसीबत बनकर मुसीबत तोड़वाना चाहते हैं। उन लोगों से सबको होशियार रहना चाहिए और हम सब हिंदू मुसलमान अपने भाईचारे के साथ, एकता के साथ और एक दूसरे के काम आने के जज्बे के साथ मुरादाबाद कोई नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएं। इस दौरान नायब इमाम शहर हजरत मौलाना मुफ्ती सैयद फहद अली, कारपोरेटर सैयद असद कमाल, मशहूर समाजी व मिल्ली खिदमतगार सैयद गुलाम हसन, अलहाज नदीम अनवर शमसी, सैयद मंजूरुल हसन अलमारूफ सैयद आरिफ मियां, सैयद उवैसुल हसन, AMU स्टूडेंट्स यूनियन के एक्स वाइस प्रेसिडेंट सैयद मसूदुल हसन, सैयद मोहम्मद अली, मोहम्मद हम्माद शमसी, मोहम्मद अदनान, सैयद अली, सैयद अरशद अली, सैयद जैन अली वगैरह भी मौजूद रहे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जिला प्रशासन के माध्यम से भेजे गए ज्ञापन में कहा गया है कि आपके संज्ञान में होगा कि भारत में एक काला कानून बनाया गया है जिसको नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के नाम से जाना जा रहा है, जो कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों द्वारा रचित संविधान की मूल भावनाओं के विरुद्ध है एवं देश को धर्म के आधार पर बांटने का काम कर रहा है। ये कानून क्योंकि संविधान विरोधी है, अतः आपसे इस ज्ञापन के माध्यम से समस्त मुरादाबाद जनपद के नागरिक ये अनुरोध करते हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो कि हमारे देश के संविधान की मूल भावनाओं के विरुद्ध है एवं सांप्रदायिक मूल्यों पर आधारित है, इस अधिनियम को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। आपके द्वारा केंद्र सरकार को ये दिशा निर्देश दिए जाए कि भविष्य में भी वो किसी ऐसे कानून को मंजूरी न दे जो कि भारत के संविधान की मूल भावना को आहत करता हो। भविष्य में NRC के तहत देश की जनता को धर्म के आधार पर न बांटा जाए तथा NRC बिल को लाने की मंजूरी न दी जाए। हमारा ये देश धर्म निरपेक्ष मूल्यों पर आधारित है और अनेकता में एकता पर विश्वास रखता है। इसको ध्यान में रखते हुए संविधान की रक्षा के लिए केंद्र सरकार को आपके द्वारा निर्देशित किया जाए। नागरिकता संशोधन कानून से भारत की दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की दिलाजारी की जा रही है, जिसको देखते हुए इस कानून को वापस लेना बेहद जरूरी है। ज्ञापन के अंत में कहा गया है, केवल आपसे ही देश की जनता को उम्मीद है और न्याय प्रणाली पर ही विश्वास बाकी बचा है, अतः हमारे इस अनुरोध को संज्ञान में लेते हुए केंद्र सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें। ज्ञापन पर इमाम शहर मुरादाबाद हजरत हकीम सैयद मासूम अली आजाद, सांसद डॉक्टर एसटी हसन, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के जिला कन्वीनर सलीम अहमद, पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी, समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष शुएब हसन खां पाशा, हाजी कैसर अली कुद्दूसी, कारपोरेटर सलीम वारसी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के पूर्व उपाध्यक्ष सैयद मसूदुल हसन, साबिक कारपोरेटर वसीम कुरैशी वगैरह के भी दस्तखत हैं।